हेलो। तो हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर, और इजी चैप्टर है। काफी इजी, क्या न्यू क्या, बस पुराना चैप्टर है। इसे थोड़ा इजी है, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ते तो थोड़ा डिफरेंट लगता, तो डिफिकल्ट लगता भी थोड़ा सा। पुराना चैप्टर है सर, क्या बहुत इजी रहेगा, बेसिकली टेक्निकल हो जाएगा थोड़ा। क्यों, एक चैप्टर के मैं आपको दो चीज़ें समझाना सर एक साथ। सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा, अभी किसी भी टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में जानकारी नहीं दे पाएंगे, किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं दे पाएंगे। थोड़ा सा नाउन्स के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा प्रोनाउंस के बारे में बताएंगे इस चैप्टर के अंदर। तो वो क्या बताएंगे, उससे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नाउन होते क्या हैं और प्रोनाउन होते क्या हैं। वीडियो को पॉज करो और सोचो। आई थिंक आपने सोच लिया होगा, नाउन मतलब क्या, इतनी बार में बोल चुका, नाउन मतलब क्या, नेम। नाउन मतलब क्या, नेम। सब वो नेम किसी चीज़ का हो सकता है, वो नेम इंसानों का हो सकता है, वो नेम किसी जगह का हो सकता है, वो नेम एनिमल्स का हो सकता है, वो नेम किसी क्वालिटी का भी हो सकता है, वो नेम किसी आइडिया का भी हो सकता है। यानी किसी भी चीज़ का नेम, किसी भी चीज़ का नेम, उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। सर प्रोनाउन क्या, प्रोनाउन क्या, प्रोनाउन मतलब क्या। सर नाउन से मिलता जुलता लग रहा है। प्रोनाउन मतलब क्या, ऐसे वर्ड्स जो नाउन जो इसकी जगह पर यूज किया जाता है, जिसकी जगह पर, जो इसकी जगह पर, इन प्लेस, जो नाउन की जगह पर यूज किया जाते हैं। सर कैसे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अभी नहीं, जब हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे तब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। अगर आपको समझ आ गया इतने से तो काफ़ी, अगर नहीं समझ में आया तो वेट करो, प्रोनाउन वाला जब सेक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, तब आपको एग्जाम्पल समझा दूंगा। नाउन को तो समझ में आ गया होगा, नाउन मतलब क्या, नेम किसी भी चीज़ का। अब चाहे वो इंसानों का नेम हो, शिवम, देवांशी, अर्णव, महिमा, तेजस्वी, कुछ भी नाम हो, ठीक है, प्रखर, कुछ भी नाम हो, टाइगर, टॉमी, है ना, एलिफेंट, हॉर्स, किसी एनिमल का नाम हो, डजंट मैटर, किसी चीज़ का नाम हो, टेबल, चेयर, टीवी, टेलीविज़न, फैन, क्लॉक, किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, एंगर, क्वालिटी आ गई ना, एंगर, हैप्पीनेस, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज़ का नाम क्यों ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, किसी चीज, अब नाम कैसे हो सकते हैं, कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं लाला, लाली, कभी कभी हम नाम ले लेते हैं अर्नब, देवांशी, शिवम, शिवानी, ठीक है। तो लाला लाली क्या हो गया, लाला लाली तो सर आप किसी को भी बोल सकते हो, घर में चार बच्चे हैं, चारों को लाला लाला बोलो, लड़कियां तो लाली लाली बोलो। तो अगर आप किसी को स्पेसिफिक नेम से बुलाते हो, अगर आप किसी को स्पेसिफिक नेम देते हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। पुराने नोट्स खोलो ना आपके पास, जहाँ पे मैंने आपको अलग से नाउन चैप्टर पढ़ाया था लास्ट क्लास में, वहाँ पे डिटेल में नोट्स आपके पास बने हुए हैं कि स्पेसिफिक नाउन को बोलते हैं प्रॉपर नाउन, जब किसी का स्पेसिफिक नेम होता है तो। हाँ, लाला लाली हुआ, ये क्या हो गया आपके, कॉमन नाउन, ये तो क्या हो गया, कॉमन नाउन। किसी को ये बुला लेते हो घर पे, इनको बोलते हैं कॉमन नाउन, तो क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। सर ब्लेज, तो कोई भी गाँव क्यों ना, हम उसको ब्लेज ही बोलेंगे, नाम जब हम यूज नहीं कर रहे हैं कि वो उस गाँव में रहता है, तो ठीक है, ब्लेज ही कॉमन नाउन हो गया। वो सिटी में रहता है, वो कॉमन नाउन हो गया, वो उस डॉक्टर के पास गया, कॉमन नाउन हो गया, उस पहाड़ी पर गया, कॉमन नाउन हो गया, उसने वो वाला पेन यूज करता है, कॉमन नाउन हो गया। अगर मैंने क्या स्पेसिफिक नेम बता दूँ कि वो इस ब्लेज में रहता है, सपोज वो मनोहरपुर ब्लेज में रहता है, तो मनोहरपुर ब्लेज, अब ये स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक हो गया, तो ये क्या बन गया, प्रॉपर बन गया, ठीक है। तो कॉमन मतलब क्या, जो स्पेसिफिक ना हो, जो स्पेसिफिक ना हो। सर कलेक्टिव मतलब क्या, ग्रुप ऑफ, किसी भी ग्रुप का नेम, किसी भी ग्रुप का नेम, टप्पू सेना, टप्पू सेना क्या ही है, कलेक्टिव नेम है क्या, टप्पू का नाम है टप्पू सेना, या वो गोगी जो भी उसके अंदर नाम है उनके नाम है टप्पू सेना, नहीं, वो तो उन सभी पूरे ग्रुप का, चारों पांचों, जितनी पांच छह जितनी बच्चे हैं उसके अंदर, उन सभी ग्रुप का पूरे का नाम है ना टप्पू सेना, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो बहुत सारे पुलिस वाले हैं सर, हर पुलिस वाले को, हर सोल्जर को आप एक एक नाम से नहीं बुलाओगे, आप सारे सोल्जर में क्या बोलोगे, अपने ग्रुप में क्या बोलोगे, आर्मी। तो बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, उसको आप क्या बोले, गैंग, ठीक है, क्राउड, फ्लॉक, ये सारे क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन हो गए। सर किसी फीलिंग्स के नाम से भी अभी आपने नाम लेते हैं, हैप्पीनेस, एंगर, ब्यूटी, ऑनेस्टी, तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जो फीलिंग्स होती हैं, एक काव आपको बुला रही है,
इनको क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और से जो मैटर्स होते हैं, मैटर साइंस आप अच्छे से पढ़ चुके मैटर के होते हैं, तो अगर किसी मैटर के नाम आप पढ़ते हो किसी मैटर के, तो उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन, उसको क्या बोलते हैं मटेरियल नाउन। सर काउंट काइंड इसमें ज़्यादा डिटेल में था ही नहीं, डिटेल में पूरे चैप्टर में है ही नहीं, इसलिए मैंने आपको बस चार्ट से समझाया, डिटेल में है ही नहीं, ठीक है। अब उन्होंने इतना सा समझाने का बेसिक समझा भी नहीं, रिवाइज करवा रहे हैं प्रीवियस क्लास का, अपने ये नहीं पता क्या प्रीवियस क्लास का सब भूल चुके हैं, वो तो रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। अब वो देखो आप क्या फिल कर सकते हो नहीं फिल कर सकते हो। अब उन्होंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बेस को भी छोड़ दें, एग्जाम्पल पे सीधे सीधे 10 एग्जाम्पल्स है, 5 मैं कराऊंगा, 5 आपको करने होंगे, ठीक है। 2 मिनट को जाना है, विंडो क्लोज कर दूँ, आप फिर भी रीड करना स्टार्ट करो सारे एग्जाम्पल्स को। आई थिंक अब साउंड थोड़ा हल्का हो गया होगा, आएगा फिर भी पर थोड़ा सा अब कम आएगा। तो अभी एग्जाम्पल्स आपको भरने हैं, एग्जाम्पल्स आपको फिल करने हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हैं फिलअप्स, जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी? चल रही है, हाँ हाँ। इस टाइम पर ये साउंड बहुत हो जाता है। पहले एक बार सारे वर्ड्स का मीनिंग पता करते हैं, सारे वर्ड्स का मीनिंग। स्वम का मीनिंग क्या होता है पता है? बहुत अच्छी बात है। नहीं पता तो याद करते जाओ, सीखते जाओ, ये नहीं कि वर्ड मीनिंग आए छोड़ते गए, छोड़ते जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। नोट कर लिया आपने? देखो ग्रुप ऑफ बीज है ना, इन मधुमक्खियों के झुंड को बोलते हैं स्वॉर्म, है ना। मिल्क मतलब पता ही है, सिंसियरिटी आपको पता ही है, आर्मी आपको पता ही है, पार्क पता है, गोल्ड पता है, बॉयज पता है, म्यूजिक पता है, टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब होता है कैपेसिटी टू टॉलरेट, कैपेसिटी टू बियर, सहन करने की शक्ति, सहनशीलता। इंटेलिजेंस आपको पता ही है, बुद्धिमत्ता, कितने होशियार हो कह सकते हो, ठीक है। तो स्वम की मीनिंग आपको पता चला गया। अब देखो ऐसे केस में सबसे इजी क्या रहता है, मतलब अगर आपको बहुत अच्छे से आते हो तो आप करते हो, अगर आपको चीज़ अच्छे से नहीं आती तो मैं आपको बोल रहा हूँ सबसे पहले वो क्लासीफाई किया तो अलग अलग तरीके से। जैसे आपने स्वम पढ़ा, स्वम का मीनिंग आपको समझ आ गया क्या होता है, सब बहुत सारे ग्रुप होते हैं, यानी ग्रुप का नेम है, यानी कलेक्टिव नाउन हो गया ये, ठीक है। मिल्क सर ये किसी मिल्क क्या है, सर ये मिल्क क्या है, देखो क्या है मिल्क, इस चीज़ का स्पेसिफिक नाम है प्रॉपर नाउन हो गया। सिंसियरिटी क्या है, एक फीलिंग्स है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। आर्मी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। पार्क क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन हो गया आपका। गोल्ड क्या हो गया आपका, मटेरियल नाउन हो गया। बॉयज क्या हो गए आपके, कलेक्टिव नाउन्स हो गए। म्यूजिक क्या हो गया आपका, अभी कलेक्टिव कॉमन नाउन है, म्यूजिक का नाम नहीं दिया ना। टॉलरेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इंटेलिजेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर आपको नहीं पता था कौन कौन से नाउन्स, तो आपने लिखा भी नहीं है, मैं जब बोलता रहा हूँ लिख भी नहीं रहे हो तो अभी गलत है। अगर आपको नहीं पता है कौन कौन से नाउन्स, तो आपको नोट कर लेना चाहिए था। आप वीडियो को बैक करो और बैक फॉरवर्ड करके दोबारा से नोट करते जाना, ठीक है। अब पता चल गया, अब देखो कहाँ पे कौन सा वर्ड फिट हो सकता है। सर लीटर की बात कर रहा है, 2 लीटर्स ऑफ डैश इज सफिशेंट फॉर मेकिंग द पुडिंग। कोई खीर बना रहा है तो खीर बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, दिमाग लगाओ। मिल्क
ठीक है, अ डैश ऑफ बीज गैदर्ड इन दी गार्डन। सर बी का बात कर रहा है तो ग्रुप की बात कर रहा है तो ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, स्वॉर्म, स्वॉर्म, स्वॉर्म। ठीक है, द डैश ऑफ मार्च्ड टू द बैटल फील्ड। सर कुछ लोग चल, मार्च टू, मार्च टू का मीनिंग देखो, मार्च टू का मतलब होता है चल पड़ना। तो कुछ लोग बैटल फील्ड के लिए चल पड़े, कुछ लोग युद्ध भूमि के लिए निकल पड़े, कुछ लोग लड़ाई करने निकल पड़े। तो लड़ाई करने में से कौन जाएगा, लड़के या आर्मी? आर्मी। ठीक है, हर डैश वॉज एप्रिसिएटेड बाय टीचर। उसकी डैश, उसकी एक क्वालिटी थी जिसकी तारीफ की ही टीचर ने। अब तारीफ किस चीज की, सिंसियरिटी की, ठीक है, टॉलरेंस की या इंटेलिजेंस की। सर किस चीज की होगी? अब टीचर को क्या सिंसियरिटी से फर्क पड़ेगा इंटेलिजेंस से? सर दोनों ही आ सकते हैं, बस सिंसियरिटी भी आ सकता है, टॉलरेंस भी, वो सिंसियरिटी भी आ सकता है, इंटेलिजेंस भी आ सकता है। तो जब भी ऐसे में डाउट हुआ करते हैं, इनको छोड़ दिया करो, डाउट वालों को छोड़ दिया करो, आपसे बहुत बोला है, डाउट वालों को छोड़ दो। सर फिफ्थ वाले पे आओ, द प्रोजेक्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द डैश ऑफ द क्लास 8th। सर एक प्रोजेक्ट था जो क्लास 8th के किसी चीज, क्लास 8th में कोई था उसने तैयार किया। सर क्लास 8th के कौन थी, क्लास 8th का सिंसियरिटी थी जिसने तैयार किया? नहीं, क्लास 8th की आर्मी ने किया? नहीं, क्लास 8th के पार्क ने किया? नहीं, क्लास 8th के बोर्ड ने किया? नहीं, क्लास 8th के बॉयज ने किया? हाँ, क्लास 8th के बॉयज ने प्रोजेक्ट तैयार किया होगा। तो फिल करते देखते रह करो। आपके 6 रह गए, 6 रह गए, ये 6 आपका होमवर्क में है। ठीक है, बस मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, बस ये सिंसियरिटी और इंटेलिजेंस वाला मैं सॉल्व करके देता हूँ, कोई एक इसमें से है ना। द ऑडियंस एंजॉयड द चिल्ड्रन प्लेइंग इन दी, ठीक है, हर व्यंग सर मेड अप ऑफ, मेड ऑफ, ठीक है। इफ वी हैड डैश प्रॉब्लम वी वुड हैव बीन, इफ वी हैड इंटेलिजेंस वी वुड हैव बीन सॉल्व। ठीक है, यहाँ पर आपका इंटेलिजेंस आएगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इंटेलिजेंस, ठीक है। बाकी जगह पर अपना दिमाग डाल लेना, ठीक है, यहाँ पे आएगा इंटेलिजेंस, ठीक है। बाकी आपके होमवर्क में, बाकी आपके होमवर्क में करनी है, ठीक है। एक टॉपिक नाम उसका खत्म हो गया, सिंपल सा स्टार्ट हुआ खत्म हो गया। अब सेकंड आता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल का, ये भी आपको पता ही है। काउंटेबल नाउंस मतलब क्या, ऐसे नाउन जिसमें हम काउंट कर सकें नंबर से, और अनकाउंटेबल मतलब दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट ना कर सकें, ठीक है, जिसको हम काउंट ना कर सकें। तो कह रहा है बुक्स काउंट कर सकते हो, बैग्स काउंट कर सकते हो, चेयर्स काउंट कर सकते हो, ठीक है, कॉटन काउंट नहीं कर सकते, वुड काउंट नहीं कर सकते, लगेज काउंट नहीं कर सकते, राइस काउंट नहीं कर सकते, शुगर काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, रिवर काउंट कर सकते हो, टाउन काउंट कर सकते हो, क्लास टाउन काउंट कर सकते हो, ग्रुप काउंट कर सकते हो, सीट ऑफ पेपर्स काउंट कर सकते हो, ग्रेन काउंट कर सकते हो, राइस काउंट नहीं कर सकते पर ग्रेन ऑफ राइस ये काउंट कर सकते हो, वाटर काउंट नहीं कर सकते लेकिन लीटर्स में अगर वाटर दिया हुआ है तो काउंट कर सकते हो, ठीक है। इन दो को याद रखना, राइस याद नहीं कर पाओगे पर ग्राम ऑफ, जो ग्रेन ऑफ राइस होते हैं वो याद कर पाओगे। सब वाटर को काउंट नहीं कर पाओगे लेकिन वाटर अगर लीटर्स में दिया हो तो आप उसे काउंट कर पाओगे, ठीक है। वर्ड्स जनरली यूज्ड विद देम आर वन टू अ फ्यू मेनी देम, वो कह रहा है, अब वो बता रहा है बेसिकली किसको आप कलेक्टिव बोलोगे, सब एक ट्रिक बता रहा है। वो कह रहा है आप ज्यादा दिमाग में लगाओ, सिंपल सा, जिनसे पहले आप वन टू थ्री फोर फाइव फ्यू अ फ्यू अगर वर्ड्स लगा सकते हो, मैनी सम वर्ड्स लगा सकते हो तो आप उससे क्या बोल दो, तो आप उससे क्या बोल दो, काउंटेबल, काउंटेबल बोल दो। अगर आप ये वर्ड्स नहीं यूज कर पा रहे तो आप उन्हें काउंटेबल मत बोलो, ठीक है। बट मैं इनको नहीं बोलता, ये कोई ट्रिक में नहीं बताता क्योंकि ट्रिक बेकार है, क्योंकि सम ना काउंटेबल के साथ भी आता है, सम अनकाउंटेबल के साथ भी आता है, समझ आया? तो मैं तो ये बोलते नहीं बेसिकली। अब अगर इंदिरा, इंडिया, इंडिया को काउंटिंग कर पाओगे, इंडिया तो कंट्री का नाम है, इसको कैसे काउंट करोगे? कोची, ठीक है,
रीता, अब इंसानों को क्या काउंट करोगे, ऐसे थोड़ी लोग एक रीता दो रीता ऐसे काउंट थोड़ी करते, काइंडनेस उसको काउंट नहीं कर पाओगे, मिल्क नहीं कर पाओगे। हाँ मिल्क लीटर्स में दो तो काउंट कर पाओगे, सिंपल मिल्क दिया तो काउंट नहीं कर पाओगे, कॉपर दिया है तो अकाउंट नहीं कर पाओगे, वेट्स में दिया हो 1 kg 2 kg तो अकाउंट कर पाओगे, स्टोन मड ब्यूटी मेमोरीज राइस तो बचपन वाली चीज आ गई, राइस वाटर ये काउंट कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। हाँ अब आप ध्यान रख सकते हो बेसिकली एक चीज, एक ये फ्यू मेनी और एक ये मच, मच आता है अनकाउंटेबल के साथ और फ्यू मेनी आते हैं काउंटेबल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज ध्यान रखने वाली चीज और है, कभी कभी कुछ काउंट नाउन ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग है, जो थोड़े क्या है कंफ्यूजिंग होते हैं, तो उनके लिए आपको ऐसे वर्ड्स पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मच मैनी दिए हुए ना, सम बेरी वगैरह दिए हुए हैं पे, जैसे केक है, केक क्या होता है, केक आप काउंट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, केक नहीं भी कर सकते हो। सर एग्जाम्पल दो जरा, एग्जाम्पल ए और बी पढ़ो, एग्जाम्पल ए और बी पढ़ो, वो कह रहे हैं वी हैव बॉट टू मैनी केक्स, हमने ओकेजन के लिए बहुत सारे केक खरीदे। सर अगर आपने ओकेजन के लिए बहुत सारे केक खरीदे तो आप केक को काउंट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन वो कह रहे आई एम हंग्री प्लीज गिव मी सम केक, मुझे भूख लगी मुझे थोड़ा सा केक दो, अब मुझे थोड़ा सा केक देगा क्या, उस थोड़े से केक को आप काउंट कर पाओगे, तो थोड़ा सा पीस देगा ना आपको उठाकर, क्या उस थोड़े से पीस में आप ब्रेड के पीसेस काउंट करने लगोगे क्या, क्रीम काउंट करोगे कितनी क्रीम लगी हुई है उसके अंदर, वो काउंट नहीं कर पाओगे। लेकिन अब जो आप पैक्ड लेके आ रहे हो बाहर से वो आप काउंट कर पाओगे, तो ध्यान लगाना पड़ेगा ऐसे केस में, आपको पूरा सेंटेंस का मीनिंग समझना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा काउंटेबल अनकाउंटेबल है। तो आपको यहाँ पे हिंट देने के, अगर मैंने लिखा हुआ है तो आपको काउंटेबल समझ लेना, यहाँ पे सम लिखा है उसको अनकाउंटेबल समझ लेना, ठीक है। पर मैं ट्रिक आप दिमाग लगाता, मैं बोलता हूँ आप दिमाग लगाओ, कौन सा दिमाग है ना, दिमाग लगाओ आप, अब देखो आप थोड़ा सा गिन सकते हो नहीं गिन सकते हो। सिमिलरली लाइक्स, सिमिलरली नाउंस लाइक एक्सपीरियंस एडवेंचर फिस्टी कैन बी यूज एज काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउंस, वो कह रहे हैं ये एक्सपीरियंस हुआ, एडवेंचर हुआ, फिस्टी हुई, ये भी ऐसे नाउंस हैं जो आप काउंटेबल भी होते हैं अनकाउंटेबल भी होते हैं। अगर बोलो मेरे को एक कप टी दो तो काउंटेबल है, अगर बोलो मेरे को सिंपल सा टी दो तो काउंटेबल नहीं है। बोलो कि मैं एडवेंचर पे गया था तो उसका ना आप एक जर्नी की बात करो तो ये काउंटेबल हो गया, लेकिन आपको आई लाइक एडवेंचर तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही फाउंड ऑफ एडवेंचर, उसे एडवेंचर बहुत पसंद है, अब ठीक है पसंद है, तो यहाँ पे द एडवेंचर का मतलब एक जर्नी, एक उसने ट्रिप की थी एडवेंचर, तो इसकी बात करते हैं, एक ट्रिप पर या काउंटेबल है। अब वो कह रहे हैं मेरे को तो एडवेंचर ही पसंद है, सर कितनी भी ट्रिप करवा लो, कितनी भी ट्रिप किया काउंट थोड़ी कर पाओगी। तो ये है बेसिकली, अब यहाँ पे कुछ एक एक्सरसाइज आई, क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल ब्लैंक्स दिए हुए हैं, अब आपको वर्ड आपको दिए हुए हैं, अब आपको वर्ड्स में से क्या सिलेक्ट करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउंस, इन सॉरी इन ब्लैंक्स में से, इन ऑप्शंस में से करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउंस आपको सेलेक्ट करने है, यानी सब एस ई एस वाला चक्कर दिया हुआ है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए इनके पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे पहला बोला है एल्म, एल्म का मीनिंग क्या होता है आप पता है, हम डोनेशन करते हैं घर के बाहर, कोई लोग आ जाते हैं जो डोनेशन मांगते हैं, मतलब जिनकी कंडीशन थोड़ी सही नहीं होती उनको हम पुअर्स कहते हैं, हिंदी में भिखारी बोलते हैं, तो उनको जो चीज़ दिया था उसको हिंदी में बोला जाता है भिक्षा, क्या बोला जाता है भिक्षा, और उसी भिक्षा को डोनेशन कह सकते हो, तो उसी का एक सिनोनिम है एल्म, क्या होता है एल्म, एल्म मतलब क्या होता है डोनेशन, एल्म मतलब क्या डोनेशन, लिख लो कहीं पर एल्म का मतलब डोनेशन। आयरन का पता है आपको, जूस कैंस पता ही है आपको, फिश पता ही है आपको, एडवाइस पता ही है आपको, ठीक है। अब देखते हैं वो क्या लिखा है, वी शुड गिव डैश टू द पुअर, हमें पुअर्स को क्या नहीं चाहिए, एल में एल्म्स, एल में एल्म्स, सर एस लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, हाँ अब समझ जा रहा। अब दो चीज़ें इसका मतलब होता है डोनेशन, इसका मतलब क्या होता है, डोनेशन, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, अगर इसमें से एस हटा दोगे ना तो इसका मीनिंग पता है क्या बन जाएगा, फिटकर ही बोलते हैं उसको हिंदी में। तो आपको देखो यहाँ पे पुअर्स को मैं क्या देनी चाहिए, जो पुअर लोग हैं उनको क्या देनी चाहिए हमें, ये फिटकर ही या फिर डोनेशन, तो वैसे होते हैं यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रेक दिस डोर्स मेड ऑफ आयरन और आयरन, वो कह रहा है हमें इन डोर्स को तोड़ना इजी नहीं है, क्योंकि ये किससे बने हुए हैं, आयरन के, तो आयरन आएगा, आयरन से आएगा,
बताओ। तो आप ध्यान रखो, जब भी मेड ऑफ की बात है ना, मेड ऑफ जब भी कभी सेंटेंस मेड ऑफ आता है तो मेड ऑफ के आगे हमेशा ना सिंगुलर नाउन आता है। कौन सा नाउन होता है? सिंगुलर। ध्यान रखना दोस्तों, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन आएगा। प्लीज बाय टू डेस, प्लीज बाय टू। दो क्या काउंट, दो क्या परचेज करो, दो जूस परचेज करूँ स्टोर से, दो जूस कैंसिल हूँ। सर जूस कैसे काउंट कर लो? तो जूस तो काउंट कर ही नहीं पाओगे, जब कैंसिल उनको काउंट कर पाओगे ना। तो जूस कैंसिल का सही आंसर है। डू यू लाइक फिश और फिशेज? क्या मतलब इसका? डू यू लाइक फिश और फिशेज क्या आंसर है? मतलब ये पूछना था क्या तुमको मछली खाना पसंद है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? फिश आएगा, फिशेज आएगा। आप बताओ। होम सोचो क्या आएगा। आप जब ये सेंटेंस नहीं समझ में आया करें ना, नहीं समझ में आया करें, तो देखा करो क्या ऐसे कुछ जान पहचान निकाला करो, उसको रिश्तेदारी निकाला करो। सर रिश्तेदारी कैसे निकालो? डू यू लाइक, और सेंटेंस देखो जो आपने कभी जिंदगी में यूज किया हो। सर डू यू लाइक कॉफी? डू यू लाइक टी? ऐसे सेंटेंस पूछते हैं, कभी पढ़े नहीं पढ़े तो आपने क्या पढ़ा? डू यू लाइक कॉफीज पढ़ा है, डू यू लाइक कॉफी पढ़ा है? सिंपल सा। डू यू लाइक टीज पढ़ा है, केवल डू यू लाइक टी पढ़ा है? तो टी पढ़ा है, कॉफी पढ़ा है, यानी सिंगुलर ही पढ़े हैं ना लाइक के साथ, तो लाइक के साथ सिंगुलर ही आता है। समझ आया? ही वॉज गिविंग अ डेस वेन द फोन रिंग। वो उसे एडवाइस दे रहा था, वो उसे एडवाइस दे रहा था जब फोन बजा। तो एडवाइस दे रहा था, एडवाइसेस दे रहा था। को समझ में आ गया होगा, एक एडवाइस है बहुत सारी एडवाइस। तो क्या लगता है वो क्या नाम है यहाँ पे? ही वॉज गिविंग एडवाइसेस। बताओ थोड़ा सोचो थोड़ा सा। एडवाइस यहाँ पे क्या है? एडवाइस लिखने में ठीक है, क्योंकि सलाह को हम अनकाउंटेबल मानते हैं, और अनकाउंटेबल मानते हैं तो उसके साथ हम कुछ सिंगुलर प्लूरल जैसा कुछ करते नहीं है। ठीक है, एडवाइस ही रहने देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया ना केवल यही पढ़ाना था, ये पढ़ाना था, इसलिए मैंने बहुत फास्ट स्पीड में पढ़ा भी दिया, बहुत इजीली पढ़ा भी दिया। लेकिन अब जो इसके बताएगा, हाँ समझाया मैंने आपको हर जगह पर है ये चीज़, लेकिन ऑफिशियली आप पहली बार ये पढ़ोगे। आप क्या चीज़? नाउन केस। बताया मैंने आपको अब बहुत बार है कि नाउन का सब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है, नाउन की तरह भी यूज होता है, वो ऑब्जेक्ट की जगह भी तरह भी यूज होता है। बताया मैंने आपको पहले भी है, आपको याद नहीं हो तो बात अलग है, बताया हर बार है। लेकिन ऑफिशियली चैप्टर में एज अ टॉपिक आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, पहली बार। तो उससे पहले मैं चाहूंगा, उससे पहले मैं चाहूंगा आपकी, आपका जो पुराना जो चीज़ आपको आती है ना वो आप कंप्लीट करो। प्रोनाउंस में कितना है टॉपिक? प्रोनाउंस भी छोटे हैं। तो मैं चाहता हूँ जो भी मैंने पढ़ाया ना इसको आप पहले स्ट्रॉन्ग करो, इसको स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, और इसको स्ट्रॉन्ग करने से पहले ना मैं आप सब चाहता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको होमवर्क है बेसिकली, कि नाउन क्या होते हैं ये तो बता ही दिया आपको, नाउन क्या होते हैं तो आपको बता ही दिया, और डिटेल में थोड़ा सा घर पे आपको पढ़ना है कि नाउन क्या होते हैं, मैं कल पूछूंगा। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आपको ऑब्जेक्ट घर पे पढ़ना है, होमवर्क में है आपके, ये होमवर्क में मैं अभी करा दूंगा, अभी करा दूंगा, चैप्टर समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आपसे बोला हूँ कि और नाउन क्या होते हैं अच्छे से घर पे पढ़ लेना, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ऑब्जेक्ट घर पे पढ़ लेना। सब पजेसिव नाउन के होते हैं वो मैं समझाऊंगा, वो अलग चीज़ है, वो तो आपके ठीक है मत उसको करना, घर पे खुद से कर भी नहीं पाओगे। हाँ लेकिन ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्ट तक, सॉरी ऑब्जेक्टिव बोला हूँ बार बार, ऑब्जेक्ट और नाउन आपको घर पे पढ़ के रखने हैं नेक्स्ट टॉपिक से पहले, अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट टॉपिक आपको अच्छे से समझ में, अच्छे से, तब ऑब्जेक्ट करके रखना। नाउन तो आपको आता होगा बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे तो नहीं पर हाँ ठीक ठाक आता होगा आपको नाउन का मीनिंग क्लियर, लेकिन ऑब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट का मीनिंग आप अच्छे से समझ लेना अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं अभी यहीं तक पढ़ा रहा हूँ।
लेकिन नेक्स्ट क्लास में मेरे को जरूरत पड़ेगी आपके ऑब्जेक्टिव की, और ऑब्जेक्टिव में आपको दूसरी ध्यान रखनी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और कहाँ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि अगर आप यही नहीं पता कर पाओगे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं तो आप ये वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ध्यान रखना। और आई थिंक हमारा प्रीवियस चैप्टर था सेंटेंस पे, जिसमें हाँ इस चैप्टर में मैंने समझाए भी हुए हैं, तो बहाने में तो ना सारी तो मेरे सिलेबस में नहीं है। इस वाले चैप्टर की वीडियो देखना, इस वाले चैप्टर को रिवाइज करना, अगर वीडियो यूट्यूब पर नहीं है तो रिवाइज करना, जो अपने नोट्स वगैरह जो मैंने पढ़ाया था जो आपने किया था यहाँ पे रिवाइज करना है इसको। ठीक है, कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, क्योंकि अब एक चीज़ जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ वो दोबारा से नहीं समझाऊंगा नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में। हाँ बस नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड करा सकता हूँ कि इसको रिवाइज कर लेना ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। ठीक है, बस इतना ही करता हूँ मैं भी हल्का, फिर कल मैं आपका ये पढ़ाऊंगा। कल आपका मैं नाउन केस में आपका केवल नाउन केस कंप्लीट करा दूंगा, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउंस आपको ख़त्म करा दूंगा, यानी नेक्स्ट दो वीडियोस में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है,